विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं और इन्हीं से जानेंगे हम कि वो कैसे पैदल पहुँचे हैं। वो बता रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे वो क्या है उनका रहस्य। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह को धन्यवाद और साधुवाद देने के लिए हम लोग 500 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली है और 18 तारीख को हमने मगरा क्षेत्र, हमारे मारवाड़ और मगरा क्षेत्र से हमने यात्रा शुरू करी 18 तारीख को सुबह और आज 24 तारीख को कार्यालय में समाप्त करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे दिल की बात मोदी जी से करें और पूरा मंडल, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ वन मंडल से और मेरी पूरी कार्यकारिणी है जो भारतीय जनता पार्टी की है जो मोदी जी से मिलना चाहेगी। इसके अलावा आज जो परिणाम भी आए हैं, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और हरियाणा में भी स्थिति ये लग रही है कि लगभग वो सरकार बना लेगी, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? भगवान पूरा ये भरोसा है कि हमारी सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरे रूट पे पता करके आया लेकिन थोड़ी उसमें पहले पूरा फुल बहुमत से लोग कह रहे थे लेकिन थोड़ी बहुत कमियां अगर रही है तो मैं पक्का है कि अमित शाह जी सब दूर करेंगे उसको सरकार बनाने में। हम लोग तो सबसे पहले तो यूँ उत्सुक हुए काफ़ी कि जो एक संविधान, एक विधान, एक देश, एक राष्ट्र की में होना चाहिए था, जो जम्मू कश्मीर में एक अलग ही अलगाववाद हो रहा था तो उसमें ये हुआ था कि अलगाववादी तत्व भारत को तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे, ऐसा प्रधानमंत्री पहली दफ़ा आया है और ऐसा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसलिए हमारे दिल में तमन्ना उठी क्यों नहीं हम पैदल मार्च करते हुए और सब लोगों को ये कहे भाई ऐसे विकास पुरुष हमें चाहिए, हम चाहते हैं एक बार दिल से हम उनके पास जाए और उन्हें धन्यवाद दें और फिर एक अच्छी कामना करते हैं। हमारी ये जो पिछली जितनी भी सरकारें बनी जो नहीं कर पाई ये अमित शाह जी और मोदी जी जो नहीं कर दे गया और आगे ऐसे जैसे ये फैसला लिया, हम यही चाहते हैं कि जल्दी ही एक ऐतिहासिक फैसला लेके या जल्दी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आके हम राम मंदिर की भी तैयारी करें। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि एक भारतीय में राष्ट्रवाद, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं में राष्ट्रवाद का उपजव हुआ है, निश्चित तौर पे ये आने वाले भारत का भविष्य है और हम यही कहेंगे ऐसे फैसले और लिए जाए। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं जो राजस्थान के कार्यकर्ता है इतना पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरह बता रहे हैं कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आए या ऐसा कोई फैसला लिया जाए कि राम